मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को डमी चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में लोक भवन सभागार लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। जनपद मुरादाबाद में जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह और महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 30 लाभार्थियों को डमी चेक वितरित किए। रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर बालिकाओं के द्वारा जिलाधिकारी और महापौर को राखियां बांधी गई। इसके लिए महापौर और जिलाधिकारी द्वारा बालिकाओं को गिफ्ट पैक भी दिए गए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना दो बच्चों तक जो बेटियां होती हैं उनके जन्म से लेकर के विभिन्न स्तरों पर अभी तक 15,000 रुपए उनके धनराशि उनके माता पिता के उनके खाते में भेजी जा रही है। अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम के दौरान एक घोषणा करी है कि अब 25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसमें जब बेटी पैदा होती है तो उसे स्टेज पर 2,000 दिया जाता है, एक वर्ष तक कम्प्लीट टीकाकरण करने पर फिर से खाते में निकल जाता है, कक्षा फर्स्ट में एडमिशन लेने पर 2,000 रुपये उसके खाते में जाएगा, फिर सिक्स में एडमिशन लेगी फिर 2,000 रुपये जाएगा, और नाइन्थ में एडमिशन लेने पर 3,000 रुपये जाएगा, और डिप्लोमा या ग्रेजुएशन करती है 5,000 रुपये जाएगा। तो अलग अलग स्टेज पर अभी तक 15,000 रुपये जाता था, जिसको आज बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री जी 25,000 करने की घोषणा की है। चूंकि रक्षाबंधन का पवित्र पावन पर्व है तो उस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम किया, उसी सिलसिले में जनपद स्तर पर प्रोविजन डिपार्टमेंट द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां बच्चे राखियां बांध रहे हैं और उपहार स्वरूप उनको गिफ्ट दिया जा रहा है और प्रतीक स्वरूप उनको चेक। सर मुरादाबाद में कितने बच्चे थे जिन लोगों की धनराशि? देखिए, अगर हम मुरादाबाद जनपद की बात करें तो अभी तक 17,514 लाभार्थी आज की डेट में लाभान्वित हो रहे हैं, और आज की डेट में हम लोग 300 लगभग आज भी सूचित करने जा रहे हैं, तो लगभग 18,000 लोग हमारे जनपद में आज की डेट में लाभान्वित। आज जो है बहनों को बच्चियों को जिनके दो बेटियां या दो बच्चे हैं उन लोगों को मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है, जिसका आज कार्यक्रम हुआ, और राखी रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों से राखी भी बनवाई गई बच्चों से। इसके अंदर जन्म पर 2,000 रुपया एक बेटी को दिया जाता है, टीकाकरण पे 1,000, जब वो कक्षा एक में आती है तो उसको 2,000, छठी क्लास में बेटी के आने पे 2,000, और नाइन्थ क्लास में आने पे 3,000, और जब वो बच्ची इसमें डिप्लोमा या उसके लिए कॉलेज में जाएगी तो 5,000 वन टाइम, उस मतलब 15,000 रुपए की योजना थी जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए 5,000, 2,000, 3,000, 3,000, 5,000, 7,000, कुल मिला के 25,000 रुपया एक एक बेटी को मुख्यमंत्री जी की तरफ से अब ये आज और उनको देने की घोषणा की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस समय बेटियों के लिए जो मोदी जी की योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बताया कि 38% प्रदेश के अंदर बेटियों की संख्या और आगे इससे लाभान्वित हुई है। अभी 17,514 यहाँ पर लाभार्थी थे, अब और बढ़ के अगले वर्ष में होंगे। तो हमारा आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सारी बहनों को सारी बेटियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। इस अवसर पर उप निदेशक महिला कल्याण राजेश चंद गुप्त, जिला प्रोविजन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी, अवरार मेया पुष्पेंद्र सिंह, अरविंद कुमार, साथ ही अरुण, गुंजन तिवारी, राजकुमार, अवधेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे।